लखपत मिली अफगानिस नागरिक की लाश, बीमार पिता का इलाज करवाने आया था भारत। सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और ये इस गली में पहली बार ऐसी दुर्घटना हुई है। यहाँ कभी चोरी चकारी भी नहीं हुई, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पर किसी का मर्डर किया गया है। ये कब आया था रहने, कैसे पता लगा? ये लगभग 20-25 दिन से यहाँ पर रह रहे थे और इलाज के लिए आए थे। जैसा आप लोगों ने सुना होगा इस बारे में कि ये कैंसर, इसके पिताजी को कैंसर की बीमारी थी जो यहाँ इलाज के संदर्भ में यहाँ पर आए थे, लेकिन अब इलाज के लिए वो लोग गए हुए थे तो उन्होंने आकर जब यहाँ पर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, चाकू लगी हुई थी। तो वो देख करके घबरा गए और बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने लगे और फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने फिर अपनी कार, नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन ने एक इलाके में अपने पिता का इलाज कराने एक अफगानी मूल नागरिक की हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक घर के अंदर घुसकर चाकू से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया है। घटना यह शनिवार शाम की है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। मृतक की पहचान मोहम्मद इराक के तौर पर हुई है। कैंसर से पीड़ित पिता का इलाज कराने भारत लौटा था। पिता एक सहयोगी के साथ अस्पताल गए थे। फिलहाल पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को